हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ जो भी चैनल पे न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सब काम हो चुके थे जो घूम कर आए थे, लास्ट में रह गई थी गाड़ी, तो गाड़ी को भी साफ़ कर लेते हैं क्योंकि ये भी साफ़ करनी ज़रूरी है। इसमें भी कचड़ा पचड़ा हो रहा था, कोई नहीं। तो आज देखिए, आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। आज बना रही हूँ मैं बेसन के आलू। और बेसन के आलू कैसे बनाऊँगी और कैसे इसकी सब्ज़ी बनेगी, तो ब्लॉग में देखते रहिए। तो मैंने बेसन ले लिया है, आप कितनी भी क्वांटिटी में बेसन ले सकते हो, जितने मेंबर हो उस हिसाब से। और वो मैंने थोड़ा सख्त आटा किया है बेसन का, और फिर इसके गोले बनाकर इसके आलू टाइप के बना लिए हैं, और जैसे पेड़ा बनाते हैं ना इतना साइज। और इनको गोल कीजिए तेल लगाकर, और गोल कर पानी में डालते रहिए। और जब बॉयल आ जाए, बॉयल के लिए बॉयल आते ही इसको 10 मिनट पकाइए। और 10 मिनट के बाद बहुत ही झटपट से बनने वाली सब्ज़ी। और एक बार प्लीज़ इसे ट्राई करना, बहुत ही अच्छी लगती है सब्ज़ी। और कुछ ना हो तो इससे भी आराम से खा सकते हैं, जैसे कोई हरी सब्ज़ी ना हो, घर में बेसन वगैरह तो रहता ही है। तो आप जो थोड़ा सा तेल था वो मैंने पानी में ही डाल दिया है, जैसे कि ये जो जो आलू बनाए हैं मैंने बेसन के, ये चिपके नहीं और इससे मैंने चला दिए हैं। तो अब ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगे, और सिर्फ 10 मिनट के लिए इनको बॉयल करना है। और बॉयल देखो इस तरीके से करें, और बॉयल ये हो चुके हैं। एक तरफ रख दिए मैंने कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया तेल, और ये जो आलू है मैं इनको निकाल लेती हूँ। है ना बिल्कुल आलू जैसे साइज, जैसे रसगुल्ले होते हैं, जैसे बेसन के लड्डू होते हैं, इस तरीके से बना लें। अब इस पानी को फेंके नहीं, क्योंकि साफ़ पानी है, साफ पानी से ही खाना बनता है, आप सबको पता ही है। इस पानी को फेंके नहीं, ये पानी सब्जी में ही काम आएगा। अब ये ठंडे हो चुके थे, इनको हम काट लेते हैं चाकू की सहायता से, और बहुत ही सावधानी से काटें जिससे कि टूटे नहीं। वैसे तो नहीं टूटते हैं ये, और ये ऐसे पीस तैयार हो गए जैसे हमने आलू काट दिए हैं। और इनको हम तेल में डाल देते हैं, इनको कर लेते हैं फ्राई। फ्राई करने के बाद फिर ये ना घुलेंगे ना कुछ, और बहुत ही यम्मी और टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आगे देखते रहिए इसका प्रोसेस। तो ये जो आलू हैं बेसन के आलू, ये तल चुके हैं, मतलब हल्के से गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं। और इनको अब निकाल लेते हैं प्लेट में। अब इसमें देखेंगे कि तेल कम तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा तेल कम हो गया है, हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे। और इसमें डालेंगे जीरा, 4 काली मिर्च और बड़ी इलायची काली वाली, और तेज़पत्ता। बहुत ही कम मसाले में बनने वाली सब्ज़ी, और बहुत ही झटपट से तैयार होने वाली सब्ज़ी है। एक प्याज से ही काम चल जाएगा, ना लहसुन की ज़रूरत ना किसकी, सिर्फ प्याज से ही काम चल जाएगा। और इसको हम ऐसे भून लेंगे, और भूनने के बाद इसमें डालेंगे हम मसाले। तो मसाले में क्या डालेंगे, बहुत ही सिंपल और यम्मी सब्ज़ी है, और आप भी इस तरीके से ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है। और इसमें डाल दिया है मैंने हल्दी पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच धनिया, और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। वो अपने टेस्ट के अनुसार खा सकते हो। थोड़ा सा डाल दिया पानी जिससे कि मसाला जले नहीं, और इसको चला दें। और फिर इसके बाद इसको डाल देंगे हम, ये जो आलू हैं बेसन के आलू, इनको डाल देंगे, और इनको हम थोड़ा सा मसाले में कोट कर लेंगे। और इसे 2 मिनट तक ऐसे ही चलाएंगे। 2 मिनट चलाने के बाद फिर इसमें डाल देंगे जो पका हुआ पानी है वो। तो ये हमें पका हुआ पानी डाल देते हैं, और इतना पानी डालें कि ये थोड़ी ना रसे वाली, मतलब तरी वाली या रसे वाली जो भी बोलते हैं, तो वो ही सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, ये गाढ़ी सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती इतनी। और इसमें हमने पानी डाल दिया है जो पका हुआ था, और डालने के बाद इसको कर देंगे फिर हम बंद। और जब हल्का सा गाढ़ी हो जाए सब्ज़ी, और फिर इसको हम बंद कर देंगे। आप इसको धनिया पत्ती से भी गार्निश कर सकते हो, और मेरे पास था नहीं तो इस वजह से नहीं कर पाई थी। और आप
एक बार जरूर ट्राई करना बेसन के आलू की सब्जी। और इसको बंद कर दिया है बंद, और ये बन गई सब्जी, बनकर हो गई है तैयार। देखिए कितनी अच्छी सब्जी है और बहुत ही यम्मी लगी थी खाने में। और फिर तो मैं चली गई थी प्रेस लेने के लिए, प्रेस मेरी ख़राब हो चुकी थी तो मैं प्रेस लेने चली गई थी। और फिर मैं लेने चली गई थी हवाई चप्पल, मेरी हवाई चप्पल घिस चुकी थी, मतलब टूट भी गई थी और उस पर क्लिप कर रही थी। तो चप्पल को जल्दी ही बदल देना चाहिए क्योंकि रिक्स नहीं लेना चाहिए क्योंकि गिरने का डर रहता है। तो मैं यहाँ आ गई थी चप्पल की दुकान पर और मैं चप्पल धो लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा किचन का भी सामान लूँगी। तो पहले ये जो जूते की शॉप है इस पर से पहले मैं एक जोड़ी जूते लिए थे, एक जोड़ी चप्पल ली थी मैंने क्योंकि अब सर्दी आ रही है इसलिए। तो ये भाई बिल काट रहे थे कि कितने का हुआ है। और उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि और भी सामान ले लूं, पर वो डिग्गी में जितना सामान आना था वो भर चुका था। थैला में लेके नहीं चली थी क्योंकि अब पॉलीथीन जो है बंद हो गई हैं ज़्यादातर, और चारों तरफ इतना आवागमन हो रहा था वाहनों का कि डर भी लगता है क्रॉस करने में। तो मैं आ गई थी घर, तो शाम का टाइम था ये, तो ये नीचे गार्डन सा बना हुआ है, फूल वगैरह लगे हुए हैं और चारों तरफ इतना अच्छा मौसम हो रहा था। ये हमारे यहाँ अपार्टमेंट हैं और इनका अभी काम नहीं चला है, और ये यहाँ चंद्रदेव के दर्शन किए कर दीजिए शाम के। तो मेरे ब्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हो ना तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। कैंडी यहाँ आराम से सो रही है, प्लीज़ आप भी देख लीजिए, अपनी पूरी निद्रा में है। और थैंक यू, बाय बाय।